यूक्रेन के जंग का आज 12वां दिन है। वहीं दोनों शहरों को भारी जान माल का नुकसान भी हो रहा है। जी आपको बता दें कि हमलावर रूस ने लगातार निशाने ताकर यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर रहा है, तो यूक्रेन ने भी उसके हजारों सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। फिलहाल जंग थमती नजर नहीं आ रही है। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अपने एक एक दुश्मन से बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। जी आपको बता दें, ज़ेलेंस्की ने अपने नए बयान में कहा है कि आज एक परिवार के चार लोग, माता पिता और दो बच्चे, इरपिन में मारे गए हैं क्योंकि वे शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे रूसी हमलों से। आतंकी ज़ेलेंस्की ने भड़कते हुए कहा कि हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आगे भी कहा है कि हम इस युद्ध में क्रूरता करने वाले सभी लोगों को सजा देंगे। हम हर उस हमलावर को ढूंढेंगे जो हमारे शहरों और लोगों पर गोलाबारी कर रहा है और जो मिसाइलें दागने का आदेश दे रहा है। अब उन्हें धरती पर कब्र को छोड़कर कोई शांत जगह नहीं मिलेगी, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा। रूस ने घोषणा की है कि कल वह हमारे रक्षा उद्यमों पर बमबारी करेगा। उनमें से अधिकांश हमारे शहरों में रहने वाले नागरिकों के आसपास मौजूद है, या एक हत्या है। मैंने आज किसी भी बड़े पश्चिमी राजनेता को इस पर प्रतिक्रिया नहीं करते हुए देखा। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने खार्किव, चेर्निहाइव, मारियोपोल, खेर, होस्टोमेल और उल्नोवाखा को हीरो सिटी की उपाधि दी है। जी हाँ, जी आपको बता दें, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के 12 शहरों को इसी खिताब से नवाजा गया था। बता दें